फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए औषधि गुणों वाली चाय की रेसिपी लेकर आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गिलोय है। आज हम इसकी स्पेशल चाय बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मोटी वाली गिलोय है, इसे हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये मोटा होने के बाद थोड़ा सूख जाता है, इसलिए हम इसे हरी वाली गिलोय डालेंगे। देखिए ये बिल्कुल ताज़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम गैस की ओर चलेंगे और इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। गैस में हमने पैन रख लिया है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल लेंगे। पानी को हम उबाल आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें एक चम्मच चाय की पत्ती डाल लेंगे और इसे फिर से थोड़ी देर उबाल आने देंगे। अब हमने इसमें दो इलायची लिया है, इसे छीलकर डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब जो हमने गिलोय को कट करके लिया था, इसे डाल लेंगे और इसे थोड़ा उबाल आने देंगे। इसे दो तीन मिनट अच्छी तरह से उबाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम इसमें एक बड़े चम्मच शक्कर डाल लेंगे और इसे फिर से उबाल आने देंगे। ये देखिए, इस तरह से उबाल इसमें आ गया है। अब हम इसमें एक गिलास जो दूध लिए थे, इसे डाल लेंगे। दूध को डालने के बाद हम इसे फिर से उबाल आने देंगे। चाय हमारी अच्छी तरह से उबल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, चाय हमारी अच्छी तरह से उबल गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट और उबालने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से उबल गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कप में डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गिलोय की चाय है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये जोड़ों के दर्द और बरसात के सीज़न में तो ये बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। और इसमें गिलोय की चाय पीने से इलायची डाले हैं हम, जो इसका स्वाद कड़ू बिल्कुल नहीं लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के पीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये गिलोय वाली चाय की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे एक बार पियेंगे तो आप दोबारा इसे ज़रूर बना के पियेंगे। ये बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता है कि ये गिलोय का चाय है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये चाय की